नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बाजार हमारा क्या यहाँ से गिरावट संभव है या बाजार यहाँ से हमारा और ऊपर जा सकता है इस बारे में। ये निफ्टी जो हमारा है और सेंसेक्स और बैंक निफ्टी क्या हमारा ऑल टाइम का हाई बना चुका है या इसमें और ज्यादा तेजी संभव है। अगर दोस्तों हम सिंपल रूप से बात करें तो जो हमारा बैंक निफ्टी है उसमें हम मान सकते हैं कि गिरावट तभी हो सकती है जब ये 20 डे के जो EMA है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसको क्रॉस करे, मतलब इसको नीचे की ओर ब्रेक करे, उसके बाद हम थोड़े से मतलब उम्मीद जगा सकते हैं कि यहाँ से करेक्शन संभव है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जब ये दो दिन लगातार गिरा, जब ये 20 डे के EMA को ब्रेक किया तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन हुआ लगातार दो दिन तक, तीन दिन तक, और यहाँ से क्रॉस हुआ तो देखते फिर से ये बुलिश हो गया। और इससे पहले तो ये लगातार सपोर्ट ले रहा था 20 डे के EMA पे। तो जो डेली चार्ट है, डेली चार्ट पर आप देखेंगे जब 20 डे के EMA को ये ब्रेक करता है तब इसमें एक करेक्शन कहें या एक गिरावट है वो संभव है। तो अभी तो यह निफ्टी पूरी तरह से बुलिश है, देखते हैं लगातार ग्रीन कैंडल, पिछले दिन जो क्लोज हुआ उसमें भी ग्रीन कैंडल, लेकिन वहीं पर बैंक निफ्टी देखेंगे पिछले दिन ये देख सकते हैं बहुत ही बड़ा रिजेक्शन हुआ ऊपर से, जहां से बैंक निफ्टी ओपन हुआ वहीं पर लगभग क्लोज हो गया। तो यहां पर लग रहा है कि ये टॉप बैंक निफ्टी का हो सकता है, लेकिन कुछ भी कहा नहीं जा सकता क्योंकि एक बहुत ही मेगा बुल रैली है, एक बहुत बड़ा बुल रैली है। क्योंकि आपने देखा निफ्टी जो है 1700 से 15000 मतलब सीधे निफ्टी डबल हो चुका है और स्टॉक्स तो कई सारे डबल ट्रिपल हो चुके हैं। तो इतना बड़ा मेगा बुल रैली था किसी ने उस समय उम्मीद नहीं किया होगा जब निफ्टी हमारा 7500 पे था। और बैंक निफ्टी भी देखते हैं ये लगभग 16-17 हजार से यहां से 35654 पे क्लोज हुआ है और ये 36500 तक गया था। तो ये भी लगभग डबल से भी ज़्यादा हो चुका है, निफ्टी डबल हो चुका है। तो ये एक बहुत बड़ी रैली थी और इस पर अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया तो समझिए इस तरह की मेगा बुल रैली फिर जो है आपको बहुत ही पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत ही लंबे टाइम में ऐसी मेगा बुल रैली आती है। तो ऐसी मेगा बुल रैली बहुत बड़ी रैली आपको बहुत ही कम देखने मिलता है। जब मार्केट में करेक्शन होगा तो मार्केट में करेक्शन हम तब कह सकते हैं जब ये 20 डे के EMA को ब्रेक करे। तो जब ये 20 डे के EMA को ब्रेक करेगा तभी आपको समझना है कि ये निफ्टी जो है हमारा यहाँ पर बियर हो चुका है और यहाँ पर तब जो बुल और बियर की लड़ाई है उसमें बियर हावी हो जाएंगे जब 20 डे के EMA को ब्रेक करता है। अभी जो बुल रैली चल रहा है तो जिस भी करेक्शन पे आता है, जैसे करेक्शन होता है, करेक्शन के बाद फिर से जैसे ये ऊपर की ओर क्रॉस करेगा 20 डे के EMA को तो हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे। मतलब जो भी स्टॉक होगा, जो सेक्टर लीडर स्टॉक होगा, निफ्टी 50 का स्टॉक होगा, वो निफ्टी 50 को ऊपर कौन ले जाएगा, निफ्टी 50 के स्टॉक, नीचे कौन ले जाएगा, निफ्टी 50 के स्टॉक। तो जैसे ये फिर से 20 डे के EMA को ब्रेक करता है, गिरावट होती है, फिर कहीं पर सपोर्ट लेगा, जैसे देखते हैं यहाँ पर 50 डे के EMA पर सपोर्ट लिया, उससे पहले 20 डे के EMA पर सपोर्ट ले रहा था। इस बार अगर बहुत बड़ी गिरावट होती हो सकता है 200 डे के EMA पर सपोर्ट ले, तो यहां से सपोर्ट लेने के बाद जैसे ये ऊपर की ओर चलना शुरू करेगा तो जैसे यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद 50 डे के EMA और 20 डे के EMA को ऊपर की ओर क्रॉस करेगा, वहां पर हम जो है पोजिशन लेंगे, वहां पर इन्वेस्ट करेंगे। तो इन्वेस्ट कब करते हैं, जब हमारा मार्केट नीचे गिर गया हो, जैसे मार्केट यहां पर देख सकते हैं 50 डे के EMA पे आया, सपोर्ट लिया, तो यहां पर इन्वेस्ट करना है। जैसे ये बड़ा करेक्शन होगा तो 200 डे के EMA पर सपोर्ट लेता है तो वहां पर इन्वेस्ट करेंगे। तो इन्वेस्ट हमेशा सस्ते प्राइस पर करते हैं जब स्टॉक हमारा काफी सस्ता मिल रहा हो, और उसको सेल कब करते हैं जब हमारा मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। तो अभी सारे के सारे स्टॉक भी लगभग अपने ऑल टाइम हाई पे है, यहां पर हम सेल करेंगे। तो सिंपल एकदम स्ट्रेटेजी है, ये 200 डे का EMA है, 50 डे का EMA है, आप चाहे तो यहाँ पर 100 डे का EMA भी लगा सकते हैं। ये हमारा ट्रेडिंग व्यू अकाउंट है, यहाँ पर फ्री का अकाउंट है तो इसमें 3 से ज़्यादा इंडिकेटर नहीं लग सकता। वहीं जब जीरोधा में हम आपको बताते हैं तो वहाँ आप जो है सारे मूविंग एवरेज लगा सकते हैं, 100 डे का मूविंग एवरेज भी लगा सकते हैं। तो सिंपली आप डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक से जीरोधा में अकाउंट ओपन कर सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग में कर सकते हैं, वहाँ आपको चार्ट जब लगाएंगे तो वहाँ कई सारे इंडिकेटर आप लगा सकते हैं इसी ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में। जीरोधा में आपको सेम ट्रेडिंग व्यू का चार्ट मिल जाता है, वहाँ कई सारे जितने चाहे आप उतने इंडिकेटर लगा सकते हैं। वहीं बैंक निफ्टी जो है निफ्टी से भी ज़्यादा बुलिश है, यहाँ आप देखते हैं पिछले कई दिनों से जो बैंक निफ्टी है वो निफ्टी से भी ज़्यादा स्ट्रांग है। सिर्फ जो पिछला दिन है जहाँ से बैंक निफ्टी ओपन हुआ वहीं पर लगभग क्लोज हो गया और एक बहुत बड़ा ऊपर से देखते हैं ये जो डोजी टाइप कैंडल के हैं या ऊपर से बहुत बड़ा रिजेक्शन मिला है, यहाँ पर सेलर जो है काफ़ी हावी था।
तो बाय और सेलर इस तरह से भी हम समझते हैं कि ऊपर से ये रिजेक्शन मिला तो मतलब यहाँ पर सेलर हावी है, और जब नीचे से ये इस तरह से विक्स बनाता है, ये बहुत ही लंबा विक है तो लंबा विक्स बनाता है, तो हम कहते हैं नीचे से जब बनाता है तो बायर वहाँ पर काफ़ी एक्टिव है। जिस तरह से यहाँ पर देखते हैं इससे जो पहले का ये कैंडल है, यहाँ पर बायर ज़्यादा काफ़ी एक्टिव दिखा तो यहाँ पर सेलर ज़्यादा काफ़ी एक्टिव दिखा। अगर अगले दिन जो ओपन होता है मंडे को, अगर यहाँ से नीचे मार्केट ट्रेड करना शुरू करता है तो जब 20 डे के ईएमए को ब्रेक करेगा तो हम मानेंगे कि मार्केट में करेक्शन हो सकता है या बड़ी गिरावट भी कर सकते हैं कि हो सकता है। तो जब तक ये नीचे यहाँ पर ट्रेड करने लगता है और 20 डे के ईएमए को ब्रेक नहीं करता है तब तक हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट में जो बेयरिशनेस है, मतलब मार्केट हमारा बेयरिश हो चुका है, तब तक नहीं कर सकते जब तक ये 20 डे के ईएमए को ब्रेक कर लेता है। अभी आपके पास जो भी स्टॉक होगा उसमें प्रॉफिट बुक करते रहें। हो सकता है मार्केट यहाँ से और ऊपर, मतलब ये 37,000 42,000 वहाँ भी जा सकता है, और यहाँ से हो सकता है मार्केट एक बड़ा करेक्शन भी दिखा सकता है। तो होने का मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तो मार्केट को आपको उसी तरह प्ले करना है कि जब 20 डे के ईएमए को ब्रेक करे तब आप यहाँ पर जो बेयरिश ट्रेड लेंगे, मतलब बेयरिश जो भी स्टॉक आपका होगा उसको प्रॉफिट बुक कर लेंगे, और बेयरिश वहाँ पर स्टॉक आप ले सकते हैं, मतलब शॉर्ट कर सकते हैं स्टॉक को, फ्यूचर को शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल सेंटिमेंट था, बहुत ही सिंपल है। जब 20 डे के ईएमए को ब्रेक करेगा तो देखना है, फिर 50 डे को क्रॉस करते गया अगर कहीं पर सपोर्ट लेता है तो वहाँ पर बस वेट एंड वॉच करेंगे। जहाँ पर सपोर्ट लिया तो वहाँ से फिर आप बुलिश ट्रेड कब लेंगे, जब वहाँ से ग्रीन कैंडल, जैसे यहाँ 50 डे के ईएमए पर सपोर्ट लिया तो यहाँ से ये जो ग्रीन कैंडल बना पहला पे नहीं लेंगे, ये दूसरा जो ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनाया यहाँ से आप लेंगे, और तीसरा तो आपने देखा ये बजट डे था, बजट डे में इतना बड़ा आपको बुलिश कैंडल देखने मिला जो काफी कम मिलता है। उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल रहा होगा कि आपको किस तरह से बेयरिश ट्रेड लेना है, कब बुलिश ट्रेड लेना है, कब मार्केट का सेंटीमेंट आपको बेयरिश समझना है, कब बुलिश समझना है मार्केट को। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपने स्टॉक मार्केट में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप जीरोधा के साथ ओपन कर सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग के साथ कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो एंजल ब्रोकिंग सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, काफी अच्छा मार्जिन देता है, आप हमारे लिंक से एंजल ब्रोकिंग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ जीरोधा में चाहे तो आप उसमें कर सकते हैं। जीरोधा और एंजल दोनों में आपको ₹20 पर ट्रेड चार्ज लगता है, और इन डिलीवरी में आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता, कोई भी स्टॉक डिलीवरी में लेते हैं आपको कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ता है, और इंट्राडे में सिर्फ ₹20 पर ट्रेड आपको चार्ज लगेगा।